एक फौजी को हर मोड़ पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, चाहे वो देश की सरहद हो या उसके गांव की सरहद। जब वो रिटायर होकर फौज से अपने गांव में जाता है तो उसे तमाम तरह की दिक्कतों से पार करना होता है। उसकी एक बड़ी मांग रही वन रैंक वन पेंशन की, उसके लिए भी उसे काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वन रैंक वन पेंशन क्या है और उसके लिए किस तरह से लड़ाई लड़ते हुए उसे अंजाम तक पहुँचाया गया। भारत के पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग बेहद पुरानी है। यह मांग दरअसल उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ी रही है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया और राष्ट्रपति को अपने पदक तक वापस कर दिए। देश में पूर्व सैनिकों की संख्या आज 28 लाख है। इनके परिजनों को जोड़ लें तो कम से कम 1 करोड़ लोग इनसे जुड़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वन रैंक वन पेंशन और इसके लिए क्या प्रयास हुए। अगर आज एक सूबेदार रिटायर होता है, उसकी पेंशन यदि 30,000 है और वही सूबेदार अगर 1970 में रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन केवल 5,000 होगी, 80 में रिटायर हो गया तो उसकी लगभग 10,000 होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये है, आप किसी भी डेट में रिटायर हो, आपकी पेंशन उतनी ही रहनी चाहिए। देश में लंबे समय तक पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के बारे में भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे। सन 1990-91 में सेना में पेंशन पाने वालों की कुल संख्या 11 लाख आंकी गई थी। इनके विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के साथ पहचान पत्र जारी करने के लिए योजना सन 1992 में शुरू हुई, तो इनकी संख्या बढ़ के तब हुई 15,27,000। सन 2004 में 19,06,000 और अब 28 लाख हो गई है। लेकिन आज भी सरकार के पास उन पूर्व सैनिकों के ब्यौरे नहीं हैं जो पेंशन नहीं ले रहे हैं। ऐसे बहुत सी श्रेणियां हैं, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीयों को छोटी अवधि के लिए भर्ती किया गया था। युद्ध समाप्त हुआ तो बिना पेंशन के घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ राज्यों ने इनको 100 रुपए प्रति माह पेंशन दी। कुछ एक जगह महज 5 रुपए महीने का जंगी इनाम इनको मिला, लेकिन बाकी की समस्या पहले के जैसी कायम रही। ये स्थायी समिति ने बहुत बार रिएक्शन दिया है और वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए। मुझे लगता है सरकार के पास सब कुछ है लेकिन इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं दिया था। अब मुझे लगता है अगर दे रहे तो हम देखेंगे, अगर ठीक है तो हम करेंगे। यूपीए 1 में 1 जनवरी 2006 से उन पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया जो सन 1996 से पहले रिटायर हुए थे। इससे तीनों सेनाओं के अन्य रैंक को फायदा तो हुआ, लेकिन एक रैंक एक पेंशन की विषमता कायम रही। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन हुआ और 28 जून सन 2006 को सरकार ने एक रैंक एक पेंशन को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सन 2007 में इस मसले को अपने एजेंडे में लिया, लेकिन यह मसला कई मंत्रालयों के बीच उलझते हुए आगे बढ़ पाया। वित्त मंत्रालय के अधिकारी वन रैंक वन पेंशन पर सहमत नहीं थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिश पर जून 2009 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इसने पूर्व सैनिकों और कमीशन ऑफिसरों के पेंशन लाभ देने के लिए कई उपाय सुझाए। सरकार ने इन उपायों को मान लिया, लेकिन दो मंत्रालयों के अड़ंगे से बात अटकी रही तो प्रधानमंत्री के विशेष दखल पर नया रास्ता निकाला गया। जितना काम यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान पेंशन की बढ़ोतरी में, इतनी पेंशन बढ़ोतरी आज तक कभी नहीं हुई। आज पूर्व सैनिक संतुष्ट हैं अपनी पेंशन से, लेकिन वो बात जो है उनको अच्छी नहीं लगती कि जो पुराना पेंशनर है उसको कम पेंशन मिल रही है और आज जो पेंशनर है वही रैंक का, उसमें बहुत फर्क आ जाता है 5 से 10 हज़ार रुपये का। और जहाँ तक अफसर्स की बात है, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल्स की पेंशन में तो 15 से 20 हज़ार का अंतर था। सन 2011 में पहले संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और फिर राज्यसभा की याचिका समिति ने वन रैंक वन पेंशन के पक्ष में जोरदार सिफारिश की। 25 दिसंबर सन 2012 को कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत 2,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, लेकिन इससे पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि पेंशन में असमानता एक हद तक दूर तो हुई लेकिन विसंगति कायम रही। स्थायी समिति के सामने रक्षा मंत्रालय ने माना था कि इस पर अमल करने में सालाना 8,000 से 9,000 करोड़ रुपया खर्चा आएगा,
समिति ने वित्त मंत्रालय की इस धारणा को भी गलत करार दिया कि इससे लागू करने से केंद्र और राज्य सरकारों के अर्धसैनिक कर्मचारी भी ऐसी मांगे करेंगे। बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की इस मांग से सहमति जताते हुए उनको समर्थन दिया। इस तरह लंबी लड़ाई के बाद कहीं उनकी मांग पूरी हो सकी। भारतीय सेना यानी 12 लाख से अधिक अनुशासित सिपाहियों का ऐसा संगठन जिसे पूरी दुनिया इज्जत देती है, लेकिन सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है, चाहे वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के। सरहद की जंग हो या बाढ़, सूखा, दंगा, भूकंप या सुनामी, या फिर अपने गांव में, जीवन के हर मोर्चे पर लड़ना पड़ता है। 17 साल की फौज की सेवा के बाद जब वो अपने गांव लौटता है तो उसकी उम्र महज 35 से 40 साल होती है। सारी दुनियादारी सामने होती है, जीवन की एक नई जंग शुरू होती है। मतलब कहने का यह है, फौजी की कोई खास सुनवाई नहीं है। जैसा फौजी आदमी काम करता है और रिटायर होके आता है, उतनी अच्छी सुनवाई नहीं है। और क्या पुलिस में कोई झूठी रिपोर्ट कर दे और ये नहीं कहेगी अरे ये फौजी है, इसको तो छोड़ो। फौजियों को सेना में जो अनुशासन और काम सिखाया जाता है उसका उपयोग वो बाहरी दुनिया में कभी कभार कर पाता है। एक सैनिक की मानसिकता आम नागरिकों से अलग ही रहती है, तभी उसको नागरिक जीवन में स्थापित होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो घर लौटता है तो उसे विरासत में मिलता है खंडित परिवार, जवानी की दहलीज पर बढ़ रहे बच्चे, बूढ़े हो रहे माता पिता, खेतों पर कब्जा आदि। उसे फौज से जो पैसा मिलता है वो खर्चा होते देर नहीं लगती और पेंशन भी इतनी कम कि जीवन पहाड़ सा बना रहता है। जैसे एक्समैन हो जाते हैं तो उनको सर्विस देना चाहिए, सर्विस नहीं देते, कहीं जमीन वमीन की पट्टी है, जैसे हरजनों को दे देते हैं, औरों को दे देते हैं, इनको भी लागू थे पर किसी ने दिया नहीं आज तक किसी को भी। और सब समस्या कहीं भी जाओ फौजी कहीं गिनती नहीं। खाली हाथ पूर्व फौजी को सम्मानित जीवन जीने की उम्मीद में नई नौकरी के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटता है। वहां अमूमन उसे मिलता है कागजों का पुलिंदा, उसे इतना दौड़ाया जाता है कि वह थक हार कर अपने हाल पर बैठ जाता है। रजिस्ट्रों में उसका नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन बुलावा आता है तो लॉटरी निकलने जैसा ही होता है। 40 साल घर पे पेंशन आ घरे हो गई मेरी, तो यहाँ कोई वेतन बद्दी अभी तक हुई नहीं कुछ भी। भाई 10-8 रुपया मिल जाते, 46,000 रुपये मिल रहा है बस। अब हो पाए वो ये महंगाई लग लग के ये परेशानी है, और पैसे के बगैर कोई आजकल खाना भी नहीं खा सकता है। 4-6 रुपया में तो रोटी भी नहीं मिलती है। हमारे अधिकतर फौजी देहाती इलाकों से आते हैं और रिटायर होने के बाद घर के आसपास ही रोजगार चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। तभी जिला सैनिक बोर्डों में हजारों सैनिक रोजगार पाने की प्रतीक्षा में हैं। हालांकि उनकी निष्ठा और अनुशासन बेमिसाल है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं। इसी नाते वे थक हार कर चौकीदार की हैसियत में कई जगह खुद को तैनात पाते हैं।